हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका गंगवार। टुडे आई विल स्टडी अबाउट द लेसन द फ्रेंडली मैंगूज। आज हम जो चैप्टर है, ये बुक सेकंड जो है, अ पैक्ट विद द सन, इसका चैप्टर जो सेकंड है वह हम पढ़ेंगे अ फ्रेंडली द फ्रेंडली मैंगूज। ठीक है, देखिए इसमें पहले देखते हैं स्टार्टिंग में। अ फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर, उसकी वाइफ और उसका छोटा बच्चा जो होता है वो एक गांव में रहते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी, वह एक बच्चे की जो बेबी मंगूस था इन द हाउस, उनके घर में वह उनके एक बेबी की तरह था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। वो जो थे, जो फार्मर उसकी वाइफ थे, वो विश्वास करते थे कि उनका जो बेबी मैंगूज़ है वो उनके बच्चे सन का कंपेनियन है, साथ ही फ्रेंड इन फ्यूचर, और उनका उनके बेटे का फ्रेंड होगा फ्यूचर में। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोंग विद द मैंगूज। एक दिन क्या होता है, फार्मर और उसकी वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड, अपने बच्चे को छोड़ जाती हैं अकेले विद द मंगूस के साथ में, यानी कि नेवले के साथ में अकेले वो छोड़ जाती हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ, स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ ब्लेज विद देयर स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। वी मस्ट हैव अ पैट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the ideas. Idea. Once a farmer, एक farmer और एक उसकी wife एक गांव में रहते थे with their small son, अपने छोटे से बेटे के साथ में। They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. और वह चाहते थे कि एक पालतू कोई भी किसी को हम पाल लें। The farmer said to his wife one day, और एक दिन जो फार्मर होता है वो अपनी वाइफ से कहता है, when our son grows up, हमारा जो बेटा है वो बड़ा हो रहा है, he will need a companion, उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। This pet will be our son's companion, यह जो पैट है ये हमारे बेटे का कंपेनियन होगा। His wife liked the ideas, और उसकी वाइफ को ये आइडिया। One evening the farmer brought with him a tiny mangoose. It's a baby mangoose, said his wife. What will soon be fully grown, he will be a friend to our son. और एक इवनिंग क्या होता है, जो फार्मर होता है एक छोटा सा नेवला लेकर के आता है। इट्स अ बेबी मैंगूज, वह एक छोटा सा मैंगूज नेवला होता है। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ कहती है, वट विल बी सून फुली ग्रोन, लेकिन वह जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, वह हमारे बेटे का क्या होगा, फ्रेंड बनेगा। यानी फिर एक दिन क्या होता है, इवनिंग में जो फार्मर होता है वो एक छोटा सा नेवला लेकर के आ जाता है, जो कि एक बेबी नेवला होता है, यानी छोटा सा बच्चा होता है नेवले का। उसकी वाइफ कहती है, लेकिन कहती है कि कुछ ही दिनों में वो बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, हमारे बेटे का फ्रेंड बन जाएगा। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आईज ऑन हिम। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगूज। एक दिन क्या होता है, उसकी जो वाइफ होती है फार्मर की, वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, वह मार्केट जाना चाहती है। सी फेड द बेबी, वह बेबी को दूध पिलाती है। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और उसके बाद छोटे से जो पालना होता है, क्रैडल का मतलब होता है पालना, उसमें क्या करती है, अपने बेटे को लिटा देती है, सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को लेते हुए, सी सैड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कि मैं बाजार जा रही हूँ, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा जो है वो सो रहा है। कीप एन आईज ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगूज, वो कहती है फ्रेंक होकर के, कि मैं
उसको मतलब अपने बेटे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उस पर किस पर नज़र रखना, मेरा बेटा सो रहा है, बच्चा जो है वो सो रहा है, उस पर नज़र रखना, मैं नहीं चाहती अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेले छोड़कर जाना। नीड नॉट वी एफ्रेड सैड द फार्मर, द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. You need not be afraid, said the farmer. Farmer कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। The mongoose is a friendly animal. चुनेवला है, वो एक friendly animal है। It's as sweet as our baby. वह भी उतना ही sweet, उतना ही अच्छा है जितना हमारा अपना बच्चा। And they are the best of friends, you know. और तुम जानती हो कि जो नेवला है और हमारा बच्चा है वो best friend हैं, तुम जानती हो, वो अपनी wife से कहता है। The wife went away. wife जो होती है उसकी, वो market चली जाती है। And the farmer having nothing to do in the house, और farmer के लिए घर पे करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, decided to go out and take a look at his fields, और तब वह decide करता है, निश्चय करता है कि वो जो उसके not far away, जो कि उसके खेत जो थे वो उसके घर के पास में ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, तो वो ये decide करता है कि वो खेतों में जाएगा और वहाँ देखेगा क्या है क्या नहीं है। टेगा मतलब खेतों को देखने चला जाता है वो। ही रन इंटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और जब वह मतलब जा रहा होता है तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो रास्ते में मिल जाते हैं। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, जब वो वापस अपने घर पे आ रहा होता है तभी उसके दोस्त जो होते हैं कुछ वो आ जाते हैं भागते हुए और उसको फिर थोड़ा लेट हो जाता है। डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ यानी वो फिर लौट नहीं पाता, जो फार्मर होता है वो उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं और इस वजह से कुछ समय वो उनके साथ व्यतीत करता है और वो कुछ समय तक वहीं पर रह जाता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रॉसरीज, शी सॉ द मैंगोज sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her. As was customary, the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of mongoose were smeared with blood. द फार्मर्स वाइफ अपना जो काम होता है वो फिनिश करके शॉप से घर वापस आती है विद अ बास्केट ऑफ ग्रॉसरीज, यानी कि जो सामान होता है उसकी बास्केट में उसको लेकर के शॉप से वापस आ जाती है जब उसका काम ख़त्म हो जाता है शॉपिंग करके। सी सॉ द मैंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर अर, जो मैंगूस होता है वो पहले से ही घर के बाहर गेट पर बैठा हुआ होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उसका वेट कर रहा है। जब वो देखती है तो मैंगूस जो होता है वो पहले से ही गेट के बाहर बैठा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसका वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रन टू वेलकम हर, उसे देखते ही वह उसका वेलकम करने के लिए एकदम दौड़ता है एज वॉज कस्टमरी, जैसे वह डेली करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मैंगूस एंड स्क्रीम्ड, जो फार्मर की वाइफ होती है टुक देखती है, वन लुक एट द मैंगूस, मैंगूस को एक बार देखती है एंड स्क्रीम और चिल्लाती है, ब्लड खून शी क्राइड, वह चिल्लाते हुए कहती है, यानी बहुत तेज़ चिल्लाती है जब उसको देखती है तो वो एकदम चिल्लाती है, वो कहती है खून। द फेस एंड पास ऑफ द मैंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड, जो उसका फेस होता है मैंगूस का और जो पंजे होते हैं वो
नेवले के पूरी तरह से सने होते हैं। स्मेट का मतलब होता है सने होना, विद ब्लड, खून से एकदम सने हुए होते हैं। तब उसकी वाइफ जैसे ही यानी मार्केट से अपना काम ख़त्म करके आती है, तो वैसे जो मैंगूज़ होता है, नेवला होता है, वो गेट पर बैठा होता है पहले से जैसे उसका वेलकम करने के लिए। और जब वो वाइफ जो होती है फार्मर की, जैसे ही वो उसको नेवले को देखती है, वो चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? ब्लड, यानी कि चिल्लाती हुई कहती है, अरे इसके तो मुँह पे, और किस पे ब्लड लगा है? मुँह पे, पंजों पे ब्लड लगा है। वो चिल्लाती है एकदम, यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी, सी स्क्रीम्ड हायरिस्टिकली। शी वाज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मैंगोज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। यू विकेड एनिमल, धूर्त एनिमल, यानी धूर्त पशु, वो कहती है धूर्त पशु, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हायरिस्टिकली, वो एकदम पागलों की तरह, यानी कि उसके मानसिक, हायरिस्टिकली मीन्स होता है मानसिकता, जो मानसिक उसका संतुलन होता है वो खो देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, तुम एक धूर्त एनिमल हो। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेस, वह गुस्से के मारे, क्रोध, रेस का मतलब होता है क्रोध, क्रोध के मारे अंधी हो जाती है। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत से ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट, ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट, यानी जो उसकी हैवी बास्केट होती है फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मैंगोज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल। पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो हैवी बास्केट होती है सामान से भरी हुई, वो सना हुआ जो खून से मैंगूज होता है उसके मार देती है। एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और भागती हुई अपना जो चाइल्ड का पालना होता है उसके पास जाती है। यानी गुस्से के मारे वो क्या हो जाती है, बिल्कुल पागल हो जाती है, बिल्कुल अंधी हो जाती है। और तब वह सामान से भरी हुई जो टोकरी होती है उसकी, वह पूरी ताकत से उस मैंगूज के मारती है, उस नेवले के मारती है जो कि खून से सना हुआ लतपत वहाँ पे बैठा होता है। और फिर दौड़ करके अपने बच्चे के पास जाती है जो कि पालने में लेटा होता है। द बेबी वॉज फास्ट असलीप, जो बेबी होता है उसका बच्चा होता है बहुत गहरी नींद में सोया होता है। वट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फ्लोर पर यानी फर्श पर ले अ ब्लैक, काले रंग का जो साफ होता है, टॉर्न एंड ब्लीडिंग यानी खून बह रहा होता है, वो कटा हुआ वहाँ पे पड़ा होता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और फिर एक ही दम में ये स्पष्ट हो जाता है, शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ, उसे एहसास हो जाता है। शी रन आउट लुकिंग फॉर द मैंगूज, और फिर वह भागती हुई ये देखने मैंगूज के पास आती है कि मैंगूज अब कैसा है। लेकिन फिर क्या होता है, ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नैक, वॉट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मैंगूज हु ले डेड एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर सोविंग। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mangoes. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. Oh, you saved my child! और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो दौड़ती हुई मैंगूस के पास आती है और देखती है, कहती है कि ओह, तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था। You killed the snake, तुमने तो स्नैक को मारा था। What have I done, मैंने क्या कर दिया। She cried, वह चिल्लाती है, touching the mangoose, मैंगूज को छूते हुए चिल्लाती है। Oh, lay died and still, कि ये तो मर गया, unaware of her sobbing, यानी कि वो तो मर चुका था। वो कहती है unaware of her sobbing, यानी कि वो उसके पछतावे से अनजान था, वो तो अब मर चुका था।
The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead macaws. जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्या कर दिया था, जल्दबाजी में और गुस्से में उसने उसको अब मार दिया था, यानी मर चुका था वो फार्मर की वाइफ की जल्दबाजी की वजह से. स्टेयर्ड लॉन्ग, वह उसे एकदम एकटक घूर घूर कर उस मरे हुए डैड जो मैगूज होता है उसको देखती रहती है लंबे समय तक, यानी घूर करके उसको देखती रहती है कि उसकी वजह से. उसने तो उसके बच्चे को बचाया था लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको मार दिया बिना कुछ जाने. देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग, और तभी उसे अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है. वाइपिंग हर टीयर्स, वह उसके आंसू यानी अपने जो होती है आंसू पोंछती है, यानी रो रही होती है मैगूज की वजह से कि उसने उसको मार दिया, अपने आंसू पोंछती है. सी वेंट इन टू फीड देम, और वह उसको दूध पिलाने चली जाती है. थैंक यू स्टूडेंट्स. आप लोग इसके डिफ़िकल्ट्स पर और क्वेश्चन आंसर करेंगे.